कुमारा सुरेश कुमार दीक्षरन बल्ले चेयरमैन जी बाड़ा सभी साथी बड़े बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल जिन्होंने सहयोग साथ कल से आशीष जी, बलवीर पहल जी, सुरजीत नरवाल जी, उप खेल निदेशक हरियाणा सभी बड़े बधाई के पात्र हैं, बड़ा सहयोग साथ दे रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा जींद की टीम से भाई जींद कहां रह गए आप पीछे, हर क्षेत्र में जिसको हरियाणा प्रदेश का दिल कहा जाता है, चाहे राजनीति चेंज करने की बात है, हर जगह हमेशा अग्रणी जिला। मैं अनुरोध करूंगा जिला जींद के खिलाड़ियों से आइए, पानीपत जिला हमारे मध्य में पहुंच चुका है, बहुत अच्छा जिला आपका बिल्कुल इंतजार कर रहा है। जहां पानीपत की तीन लड़ाइयां लड़ी गई थी, चाहे 1526 की बात है बाबर और अब्राहिम लोधी के मध्य में, और चाहे 1556 में अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के मध्य रही हो, और चाहे 1761 में अहमद शाह दादे और मराठों के बीच में रही हो, लेकिन लोगों आज ये कोई तीर तोप तलवार की लड़ाई नहीं है, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की लड़ाई है। मैं धन्यवाद करूंगा अमेचोर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, जिन्होंने इतना बड़े प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए तैयार करने का काम किया। जिला जींद जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी के मैदान पर पहुंच जाए। बिल्कुल जब 2018 में 1523 खिलाड़ियों को धनराशि दी गई थी, 1,46,00,000 रुपए की धनराशि के 139 खिलाड़ियों ने ये पाने का काम किया था, और पानीपत जिला भी कम नहीं है। मैं नमन करता हूं जिला पानीपत को भी, बिल्कुल बड़ा बधाई का पात्र है, जिसमें इन्होंने भी 60 खिलाड़ियों ने 55,45,000 रुपए की धनराशि और देखिए पुणे में स्वागत अभिनंदन अभिवादन करता हूं। सुनील सांगवान जी हमारे शिक्षा विभाग के में कार्यरत हैं, सर आपका पुणे स्वागत अभिनंदन अभिवादन है, बिल्कुल हमारे मध्य में विराजमान है, सभी का मान सम्मान, चाहे शौल की बात है चाहे समृद्धि चिन्ह देकर, बिल्कुल कल से आयोजित तिथियों का मान सम्मान मंच के माध्यम से एमेचोर कबड्डी एसोसिएशन सरखी दादरी बड़ी बधाई की पात्र है। बिल्कुल चाहे ऑफिशियल के रहने सहने की बात हो, खिलाड़ियों को अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से और इनको बिल्कुल सिक्योरिटी के रूप में हरियाणा पुलिस, सुमेर सिंह जी, सुमेर सांगवान जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, इनको शौल के द्वारा और समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करे हैं हमारे सरखी दादरी एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान राजेश पवार जी और कुलदीप जी दलाल महासचिव AKAH हरियाणा। जींद की टीम से मेरा पुण्य अनुरोध प्रार्थना निवेदन है, देखिए ये बिल्कुल अनुशासनहीनता है, कितनी देर पहले आपका मैच अनाउंस कर दिया जाता है, क्वार्टर फाइनल मैच आप खेल रहे हैं, उसके बाद भी आप समय पर नहीं पहुंचते हैं, भाई अजमेर शर्म की बात है। अजमेर सिंह निराणी अपनी टीम को लेकर आइए, मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप नरवा, आप अपनी जींद की टीम का हिस्सा है, हिंदुस्तान के बड़े माने जाने खिलाड़ी हैं, आपने सीजन 5 में हिंदुस्तान के लिए तहलका मचाया, पटना पायरेट्स में 3 करोड़ की धनराशि दी और शौम का 378 पॉइंट लेकर पहले स्थान पर रहे, आपने 19 सुपर 10 हार के मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का पुरस्कार भी आपके नाम, आप आइए अनुशासन में रहकर, बिल्कुल पानीपत जिला आपका इंतजार कर रहा, आइए जिला जी। महिला वर्ग का यह अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच और पुरुष वर्ग का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच होगा सोनीपत वर्सेस फरीदाबाद, टीमें अपनी तैयारियां शुरू कर सकती हैं, सोनीपत और फरीदाबाद के बीच में पुरुष वर्ग का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच, और ये देखिए जिला जींद की टीम खेल मैदान की तरफ बढ़ते हुए बड़े अच्छे खिलाड़ी लिए हैं, चाहे सुंदा हथवाड़ा की बात हो, ओम प्रकाश जुड़ू बास्केटबॉल के खिलाड़ी की बात है, पैदल चाल के चांदराम की बात है, जय भगवान निर्जन की बात है, सरनजीत गड्डी रोडी की बात है, सरदार बख्शी सिंह की बात है, और चाहे राम कुमार सिंधवी खेड़ा की बात है, वो सिल्वर मेडलिस्ट है, संदीप नरेश पड़ाना सुरेश पड़ाना की बात है, कविता शिवराज पड़ाना की बात है, यशपाल मलिक सांबड़ो कला की बात है, मनीषा फतेहगढ़ चेन्नई की बात है, बिल्कुल सभी अच्छे खिलाड़ी जिला जींद ने हिंदुस्तान को देने का काम किया।
पर मुलायमत करें। मैं अनुरोध करूंगा, सभी हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं, हिंदुस्तान के अर्जुन अवार्डी रहे हैं संजय पवार जी, वॉलीबॉल के कप्तान अर्जुन अवार्डी, माननीय रमेश जी किरमारा डीएसपी हरियाणा पुलिस अर्जुन अवार्डी, हाँ बिल्कुल सभी जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा सभी जितने भी हमारे राम अवतार जी प्रेम सिंह जी दलाल सभी सभी से मेरा अनुरोध है, श्री जागड़ा जी आशीष नितेश सामवान जितने भी बलवीर पहल जी भले राम जी चेयरमैन बाड़ा सभी से अनुरोध है सर जाइए। सुरेश कुमार जी फिर आशीष सहद जी बहुत अच्छे हमारे सभी साथी हैं। मैं अनुरोध करूंगा बलवीर पहल जी सर आप भी थोड़ा सा और हमारे गणमान्य व्यक्ति भी बिल्कुल साथ में रहेंगे। विजेंद्र जी जाइए सर बड़े अच्छे आप है, मन संचालक हैं, चाहे मुकेश फोगाट की बात है आओ जी। हाँ सर महंत जीत भारती जी जिस घर पर जिस परिवार पर ऋषि मुनियों का गुरुओं का पीर पैगंबरों देवी देवताओं का साथ आशीर्वाद हो वो घर वो परिवार वो जिले वो प्रदेश वो देश हमेशा उन्नति तरक्की करते हैं। साथ में दिनेश सरपंच जी कड़ी का और मुकेश जी बिल्कुल सभी साथी अनिल जी राखी साहब सभी के सभी बिल्कुल खेल मैदान पर जिला जींद की टीम से परिचय दे रहे हैं। बड़े अच्छे प्रो कबड्डी के खेल कई खिलाड़ी हैं, चाहे अंकुश राठी की बात है राजेश नरवाल की बात है प्रदीप नरवाल की बात है जिला जींद के ये बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी 129 खिलाड़ियों में 1,40,00,000 रुपए की धनराशि 1523 खिलाड़ियों में जिला जींद ने जीतने का काम किया और अजमेर इनके कोच निडानी बड़े अच्छे हमारे साथी और ये पानीपत जिला की टीम से परिचय लिया। यादगार फोटो सर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ गणमान्य व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति चरखी दादरी अनाज मंडी की पावन धरा पर बहुत बड़ा क्योंकि ये भाई यहाँ पर क्योंकि फुलकिया रियासत का राज्य रहा है 1763 से लेकर 1948 लग रहा है सारा देश आजाद होगा था हम जींद वाले 8 महीने बाद आजाद हुए थे राजा से बिल्कुल जींद के राजा हुए जो नापा पटाला जींद रियासत के राजा स्वरूप सिंह की यहाँ ससुराल होती थी आज अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही हैं दोनों टीमें पानीपत और जींद। जींद की टीम में कल भी मैं परिचय करा रहा था जो दर्शक आ जाए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा प्रो कबड्डी के स्टार खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिला जींद का हिस्सा बनकर के बीच मैदान पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 11 नंबर की जर्सी का जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहा है अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है प्रो कबड्डी के सभी सीजन इस खिलाड़ी ने खेले हैं और इस सीजन में हरियाणा स्टीलर्स का हिस्सा बनकर के ये खिलाड़ी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जो 22 दिसंबर से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रो कबड्डी लीग शुरू होने जा रही है। इसके अलावा विशाल लाठर जो 3 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी दिखाई दे रहा है जयपुर पिंक पैंथर्स का हिस्सा बनकर के ये खिलाड़ी भी लगातार अभी तक के सीजन खेल रहा है। इस बार भी जयपुर पिंक पैंथर्स का हिस्सा बनकर के ये खिलाड़ी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अपनी टीम के लिए पहली रेड लेकर के जो मैच अभी शुरू हुआ है उसकी मैच की पहली रेड राजेश नरवाल उर्फ टोनो टोनो के नाम से प्रसिद्ध है अच्छा अटैक किया टच मिला अंक लेने में सफलता और पानीपत की
की टीम बिल्कुल नए युवा खिलाड़ियों से सज करके आई है। जूनियर स्तर का खिलाड़ी नित्य रेड पर है। खाली रेड लगाई, फिर चला राजेश नरवाल। टैकल की ट्राई की, लेकिन राजेश नरवाल अच्छा बचाव किया, दो अंक लेकर के वापसी की। पानीपत का रेडर ट्राई पर प्रयासरत है, लेकिन खाली रे अब चला पांच नंबर की जर्सी में जिला जींद का रेडर पानीपत के पाले। अगली दोनों टीमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। सोनीपत वर्सेस फरीदाबाद अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच होगा। महिला वर्ग का ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच आपके सामने चल रहा है। स्टार खिलाड़ी राजेश नरवाल ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन उसमें कार्यरत। बिल्कुल सही कहा सोनू को साहब, ONGC बहुत बड़ा विभाग है हिंदुस्तान का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसमें 200 के लगभग अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, जिसमें 38 अर्जुन अवार्ड ली और तीन बिल्कुल जो हमारा खेल रत्न से पुरस्कृत खिलाड़ी हैं वो इस विभाग में कार्यरत हैं, उनमें ONGC में कार्यरत इस खिलाड़ी का भी स्वागत अभिनंदन अभिवादन है।